हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रवीण राजपूत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी लाडली बहना योजना में जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको पता करना है कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है ना हुआ, और उसमें अगर किसी प्रकार की कमी जैसे कि आधार लिंक या DBT हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आपको जो है इसके सर्टिफिकेट के द्वारा यहाँ पर वो पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि आप किस प्रकार से जो है लाडली बहना का जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है लाडली बहना योजना। तो आप जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है MP लाडली बहना योजना MP.gov.in ये वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, इस वेबसाइट का जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, जैसे आधार DBT की स्थिति, आपत्ति दर्ज करें क्रियान्वयन, तो आपको जो है आवेदन की स्थिति, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है आपको आपका पंजीयन क्रमांक या समग्र प्रविष्ट करना है। तो जो है आपने जब आवेदन किया था तब उस टाइम आपको पंजीयन नंबर दिए गए, वो यहाँ पर आपको डालना है। या फिर आपको जो है समग्र सदस्य नंबर जो कि लाडली बहना के हैं, तो उस जो है लेडीज़ के नंबर आपको यहाँ पर डालना है जिसका आपको फॉर्म फिल करा आपने। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो है साइड में देखो एक कैप्चा, सेम टू सेम यहाँ पर इसमें डालना है। और जो है यहाँ पर OTP भेजे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप OTP भेजे पर क्लिक करोगे, तो जिस टाइम आपने आवेदन किया था उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक OTP जाएगा, और जो है वो OTP में मोबाइल में देखकर यहाँ पर आपको डालना है। और खोजे, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे आप खोजे पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है ये बता देगा कि आपका जो है, नीचे आप देख रहे हो आवेदन क्रमांक आ गए, आवेदक का नाम आ गया है, समग्र ID, जिला, आवेदन की स्थिति हुई है कि नहीं हुई, तो हाँ है मतलब आवेदन हो चुका है, संभाग इसका कौन सा लगा है, स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम वार्ड क्या है, इसके बाद में समग्र क्रमांक, और जो है आधार कार्ड में लिंक की स्थिति, तो मतलब आधार कार्ड जो है आधार से लिंक है, और उसके बाद में जो है इसमें DBT भी सक्रिय है, तो मतलब यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इस पर आपको व्यू पर क्लिक करना है। तो आप जैसे व्यू पर क्लिक करोगे तो जो है पूरा आवेदन यहाँ पर आपको देख सकते हो, इसका एक सर्टिफिकेट टाइप जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, और इसमें जो है पूरी जो है कंडीशन लिखी, पूरा जो भी आवेदन क्रमांक DBT वगैरह क्या क्या है जो है सब इसमें लिखा है यहाँ पर, और जो है उस टाइम जो फोटो खींचा था वो फोटो भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो QR कोड है उससे भी जो आप स्कैन करके देख सकते हो। तो जो है दोस्तों, इस प्रकार से इसका आवेदन आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो है अगर आपके पास दुकान है तो आप जो है इसका प्रिंट देकर कस्टमर से 10-20 रुपये ले सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर DBT की स्थिति नहीं बताता है, तो अगर DBT नहीं हो तो आप जो है बाद में भी बैंक में जाकर इसकी DBT करवा सकते हो, और जो है इस योजना का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहे तो इसे PDF में सेव करके भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।